हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर्स के एक और नए एपिसोड में। ये एपिसोड है पार्ट टू काशी व्लॉग का। सुबह जल्दी 3 बजे के आसपास उठ के नहा के हम निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। एक कालू में दारी, एक डमरू बजाते हुए कितना बढ़िया बना रखा भाई। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह वहाँ काल बाबा के, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर के वहाँ से काशी मंदिर से। और भाई साहब भी हिम्मत कर रहे हैं तो पूरी अंगूठा तोड़ प्रक्रिया। माता रानी गई है अपना, सबसे पहले जाएंगे संकट मोचन, उसके बाद सीता माता, फिर भारत माता, और फिर उसके बाद अपना अच्छा सा ब्रेकफास्ट, देन अपना दशमेश्वर घाट, एंड देन होटल, आफ्टर टेक 2 आवर स्लीप, देन फिर हम उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे काशी। नींद आएगी उसके बाद? या देन वी एक्सप्लोर काशी। ठीक है, जय भोले, जय भोले जी। नहीं भाग लिया लाओ दूध हमें दो, ला टेस्ट तो कर ले ऊपर। क्या बना रहे हो ये? क्या बना रहे हो? देन उसके बाद हम गए लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो कि बताया जाता है कि बनारस की बहुत ही फेमस शॉप है चाय और मलाई बन वाले। बट सच बताऊं तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशल यहाँ पे लगा नहीं, नॉर्मल चाय थी और नॉर्मल ही यहाँ पे मलाई वाले बन दिए जा रहे थे। आपको ब्रेड भी बिल्कुल छोटे वाले, जो सबसे छोटे हो सकते हैं, वो ब्रेड आपको सेक कर दिए जा रहे थे कुछ इस तरह। देन उसके बाद हम आगे बढ़े और ये बनारसी पान तो बनता ही है। सो काशी के सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद और सारी फेमस चीज़ें ट्राई करने के बाद हम वापस पहुंचे दशमेश्वर घाट की तरफ। और जो रूम मैंने लिया था, ये रूम आपके सामने है और इस रूम से जो मनमोहक व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो एंजॉय द व्यू। बाबा तो नीचे बैठे उनको लेके आ रहे, डुबकी मारे और खुद थे इतने बड़े और ऐसे दबाया लेके चल लेके चल। ये योगियों का गढ़ है आसपास का पूरा, बड़े बड़े योगी, इनका मुंह से तो वर्णन नहीं हो पाएगा, इतने महान लोग हैं ये। सीताराम बाबा उनका नाथ ठाकुर है, इन्होंने सब समाधि ही की है भैया सब। दोस्तों आप बायोग्राफी ऑफ योगी पढ़िए, बहुत प्यारी बुक है बायोग्राफी। तो आपको यहाँ का वर्णन मिलेगा। सो होटल ओनर से बहुत सारा ज्ञान लेने के बाद हम चल पड़े बोटिंग के लिए।
और बोटिंग की अरेंजमेंट भी होटल वाले ने ही कर दी थी। अरे कितनी देर घुमाएगा, क्यों टेंशन ले रहा, ढाई घंटे जैसे परेशान हो गया, कितना रास्ता है, कितना देर का वोटिंग किसके साथ? आपके साथ ले लगा आपकी आप ही तो। और 8 लोगों के लिए एक प्राइवेट बोट अरेंजमेंट हो गया था 2000 रुपये में, जिसने सारे घाट कवर करवाए हमारे, 2 घंटे के आसपास का टाइम उसने लिया। सो एंजॉय द जर्नी विद अस। Our return journey was planned at 3 PM, but unfortunately due to heavy fog, वो ट्रेन भी डिले हो गई और रात को 12 बजे के आसपास ट्रेन आई। तो डोरमेट्री लकीली काफ़ी अच्छी बना रखी थी वाराणसी में, जहाँ पे हमने स्टे किया, और देन फाइनली हमारी वंदे भारत रात को 12 बजे पहुँची 9 घंटे के डिले के साथ। So that's how our journey ends here. So if you like this video, do like and share. Subscribe my channel for more videos. So in 2024, I promise you to weekly update a video every week.